तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है। अभी कमेंट बहुत सारे आ रहे करें, मैं वीडियो इनके कमेंट पर बताऊंगा राजदीप सिंह के बारे में। बट एक दो कमेंट मेरे को अच्छा लगा, जैसे इनका भी मेरे को सही लगा। और इनका बता देता हूँ बेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर टेकिंग योर प्रीसियस टाइम ऑन मेकिंग वीडियो फॉर मी। जो भी आपने बोला 100% सही है, और मेरा ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ सब जो भी बोला। किस्मत से तो कुछ नहीं होता है, हुए भी सब कुछ है। और हाँ, बढ़िया लव वाला बात भी सही है आपका, वो तो चल रहा है अच्छा। इनफैक्ट कितने टाइम से कमेंट करूँ सोच सोच के, अभी करा हूँ। बहुत लेजीनेस है मेरे में, हर काम आखिरी में करता हूँ मैं। बाकी करना तो बहुत कुछ है, क्या करूँ वो सोच सोच के दिन कट जाता है। ओके, बहुत बढ़िया कमेंट किया आपने। या मेरा ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ना आपको नीचे जा रहा है। चलो मैं, कोई नहीं है ना। तो अभी तो हम चलते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में, राजदीप की। और काफ़ी कमेंट है, मैं मेरे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मेरे भी थोड़ा चोट लग गई है, तो जल्दी सही हो जाए तो फिर धीरे धीरे मुझे अपना नॉर्मल डेली रूटीन में जितना जल्दी मैं आ जाऊँ उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए। और वीडियो बनाता हूँ मैं। तो बाकी इनका नाम है राजदीप चुदस्वामा। बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ 22/8/1983 है। लूसी ग्रेड कुछ इस तरह से बना हुआ है, ड्राइवर इनका 4 है, कंडक्टर इनका 7 है। और इन्होंने पहले ही इन्होंने बता दिया मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है, और बहुत इंट्रोवर्ट है ये और ओवर थिंकर है। हो सके तो लूसी ग्रेड मेरा बनाइए। तो अभी ये यंग है तो इसलिए मैंने इनका कमेंट ले लिया। और ड्राइवर कंडक्टर भी जो इनका 4 और 7 है, मेरा भी ड्राइवर कंडक्टर 4 और 7 है, तो इसलिए शायद मैंने इनका कमेंट ले लिया। कमेंट बहुत सारे थे, 1 महीने से कमेंट ही कमेंट है। और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मतलब जब भी मैं थोड़ा मतलब लय में आने की कोशिश करता हूँ तभी कुछ ना कुछ रहता है। खैर कोई नहीं, तो लो सिक्योरिटी तो इनका कुछ काफ़ी हद तक भरा हुआ है, तो आप देख सकते हो मेंटल प्लेन इनका बहुत बढ़िया है। और ये भी भरा हुआ है इनका, और ड्राइवर कंडक्टर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ड्राइवर इनका 4 है, कंडक्टर इनका 7 है। तो 22 को अगर प्लस कर लिया जाए 2+2 4 होता है, तो इसलिए इनका ड्राइवर 4 है। तो ड्राइवर 4 वाले जो होते हैं थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है इनका नेचर, इनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। इनका नेचर हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन होते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े दिमाग से थोड़ा सही रहते हैं और मैच्योर रहते हैं थोड़ा धीरे धीरे मैच्योर। मतलब क्योंकि स्ट्रगल की वजह से ना इनमें मैंने देखा मतलब मैच्योरिटी इनमें जल्दी आई थी, डिसिप्लिन और ग्राउंडेड इनका नेचर रहता है। बट स्ट्रगल होने के बावजूद ना लाइफ में, लेकिन भगवान ने इनको इतनी पोटेंशियल दे रखी थी, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी इनको करनी चाहिए क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल है। तो जरूरत से ज़्यादा मतलब कुछ भी पाने के लिए इनको जरूरत से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और थोड़ा रेवलेस नेचर होता है 4 नंबर वालों का, तो इस तरह का नंबर होता है ड्राइवर 4। और लेकिन इनका ड्राइवर कंडक्टर 4 और 7 है। 4 मतलब होता है राहु और 7 होता है केतु, तो 4 और 7 पूरी बॉडी बन जाते हैं। राहु केतु एक पूरी बॉडी बन जाती है, जो राहु केतु पूरी बॉडी थी लेकिन बीच में भगवान ने इनका धड़ अलग कर दिया था, तो राहु सर हो गया, केतु धड़ हो गया। तभी मैं कह रहा हूँ 4 नंबर वाले इंटेलिजेंट होते, क्योंकि सर होता है फिर वो धड़ बन गया, धड़ 4 और 7 मिल गए, तो एक कंप्लीट बॉडी मिल गया। तो बहुत अच्छा ड्राइवर कंडक्टर होता है, मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर कंडक्टर वहाँ आता है। बस थोड़ा ये 4 नंबर की दिक्कत है, थोड़ा मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर बहुत बढ़िया रहता है। जैसे अनिल अंबानी जी का, उनका भी ड्राइवर कंडक्टर 4 और 7 है, क्योंकि मतलब अच्छे में आएगा क्योंकि पेन और बॉडी का ढक्कन मिल जाता है, तो इस तरह का इनका नेचर होता है। लेकिन 4 और 7 मिल जाते तो इनका राक्षस वाला भी नेचर हो जाता है, थोड़ा मतलब वाइल्ड भी आते हैं, थोड़े मतलब नेगेटिव वाले वाइल्ड मतलब एग्रेसिव भी आते हैं उस वजह से। बट ड्राइवर कंडक्टर इनका इस तरह से, मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी अपने बारे में, जैसे मेरा भी ड्राइवर कंडक्टर है, तो जो भी ये पाना चाहे वो पा सकते हैं, बस इनको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो इनको करनी है, बिना मेहनत के तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। और इतनी ये लोग मेहनत भी इतनी करते हैं, तो इनमें स्किल्स भी काफ़ी होती है और बंदे लोगों का भी स्किल्स होती है, भले इनके पास इतना रिजल्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ साथ इनके पास काफ़ी कुछ आने लग जाता है। जैसे कि आप अनिल अंबानी जी का देख सकते हो, अभी उनको बहुत कह सकते हैं लो पीरियड चल रहा है, बट अभी वो शायद उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी है, तो हो सकता है वो ये पूरा जो बैड टाइम में पूरा रिकवर कर सके अच्छे से। तो ओवरऑल ड्राइवर कंडक्टर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बाकी देखो लाइफ में परेशानी आएगी और हर बंदे को अपनी अपनी परेशानी खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो बाकी लोसी ग्रेड में चलते हैं, लोसी ग्रेड में क्या क्या पावर है। तो लोसी ग्रेड में जो पावर है इनके पास 492 की पावर है, जो कि दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, मेंटल प्लेन होता है। तो मेंटल प्लेन आपके भगवान ने दे रखा है, तो सोचने की क्षमता दे रही है। अगर इंसान में अगर सोचने की क्षमता हो तो इंसान में
दिमाग की वैल्यू होती है, तो जो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो कह सकते हैं ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस उसके होते हैं। तो आपको भगवान ने दिमाग दे रखा है, इंटेलिजेंट और सोचने की ताकत, और आप खुद भी ये मानते हो, खुद भी ये मानते हो कि आप ओवर थिंकर हो और इंट्रोवर्टेड भी हो। इंट्रोवर्टेड तो मैं समझ गया, और ओवर थिंकर आप मानते हो, तो ये बात तो है अपने, तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। लेकिन कभी भी परेशानी आती है ना लाइफ में, बल्कि आपकी हो या आपके आसपास के जो इर्द गिर्द जितने बंदे हैं ना, तो उनकी भी परेशानी का आप हल निकाल सकते हो, इतने आप भगवान ने इतना दिमाग दे रखा है। और काफ़ी आप उनको तरीके बता दोगे कि ऐसा तरीका सही रहेगा, ये तरीका सही रहेगा, ये तरीका सही रहेगा, मतलब उसके सामने वाले के बदले के जो भी परेशानी है उसमें भी आप इतने सारे ऑप्शन दे दोगे उसको, और उसके नेचर के हिसाब से भी इतने ऑप्शन दे दोगे, तो वो भी कभी कभार हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन दिमाग आपका बहुत तगड़ा है, मतलब मुश्किल परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकता है। बाकी 4-3-8 है जो कि प्लानिंग के लिए बढ़िया रहते हैं, प्लानिंग पॉलिटिक्स के लिए बढ़िया रहता है, रणनीति बनाने के लिए बढ़िया रहता है। और बाकी लोशी ग्रेड में लगभग 5 और 6 नंबर नहीं है जो कि डिटोर्ट में होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। लेकिन कोई नहीं, तो आप नाम की स्पेलिंग को 5 में ले आओ तो बढ़िया रहेगा, 6 में भी लग सकते हो, लेकिन नाम की स्पेलिंग में 5 पर रख दोगे तो बढ़िया रहेगा। क्यों बढ़िया रहेगा, देखो इसमें क्या बन जाएगा आपका, 9-5-1 भी बन जाएगा, 2-5-8 भी बन जाएगा, 3-5-7 भी बन जाएगा। और 5 नंबर को नाम की स्पेलिंग रखने से 6 नंबर की भी कुछ हद तक पावर मिल जाती है। तो नाम की स्पेलिंग को 5 में रख लो, और जैसे घर वर का नाम हो गया वो 6 में रख लेना, घर का नाम या जैसे घर का नंबर हो गया, जैसे 1114 ऐसा नंबर होगा तो 6 नंबर हो गया है ना घर का, 51 हो गया जैसे घर का नंबर तो वो 6 हो गया, तो इस तरीके से मैं कह रहा था। तो नाम की स्पेलिंग को तो 5 में जरूर रख लेना, क्योंकि 9-5-1-2-5-8 बन जाएगा, 3-5-7 भी बन जाएगा, कुछ हद तक काफ़ी फायदा हो जाएगा उसका। और अब हम चलते हैं, लोशु ग्रेड का मैंने बता दिया, आपके बारे में बता दिया, और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, बस आप ये चाहते थे कि लोशु ग्रेड में वीडियो बना दूँ, तो लाइफ में थोड़ा परेशानी आएगी, लेकिन वो परेशानी के लिए भगवान ने आपको हिम्मत दे रखी है, मेहनत करने की और पोटेंशियल है आप में, वो सब आप संभाल लोगे, दिमाग भगवान ने आपको दे रखा है। तो मेन आप अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी 99 का मतलब भी इंटेलिजेंस होता है, और 22 और 7 मल्टीपल 2 में हो नंबर और 7 हो तो थोड़े बहुत इंट्यूशन पावर होती है, मतलब पूर्वाभास होता है, मतलब जो भी चीज़ होने वाली होती है उसका आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया लग जाता होगा, और अगर वो सही में चीज़ हो जाती है तो अपनी इंट्यूशन पावर का भी आप आने वाले टाइम में भरोसा रखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी 1983 का लगभग 29-30 साल की हो, 29 साल की। बाकी मैं पर्सनल ईयर बताया, तो पर्सनल ईयर अभी आपका क्या चल रहा है, 4 है और 8, 4 और 8 हो गया 12, 3, और 2022 चल रहा है 6। तो पर्सनल ईयर अभी आपका 9 में चल रहा है, पिछले साल थोड़ा मुश्किल भरा साल गया होगा 2021, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 में था, बट कुछ ना कुछ वो साल बड़ा दे के भी जाता है, बट फ्रस्ट्रेशन टेंशन और बहुत परेशानी वाला साल रहता होगा, लेकिन वो साल बीत चुका है। अभी ये जो साल चल रहा है ये पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, ये भी कोई खास अच्छा साल नहीं है, बट फिर भी पिछले साल से थोड़ा बेहतर ही ये साल होगा, और ये साल भी आप बीतने तो इस साल भी कोई ज़्यादा रिस्क मत लो, लेकिन जो भी आप अपना लाइफ में जो करना चाहते हो अगला साल आपका, क्योंकि बहुत तगड़ा आ रहा है जो कि पर्सनल ईयर 1 है, और ऐसा साल फिर हर 9 साल बाद ही आता है, तो पर्सनल ईयर 1 अगला साल बहुत बढ़िया आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए मेहनत करो अभी से, अभी भी काफ़ी टाइम है, 5 महीने तो हो गए 2022 को, तो 6-7 महीने और बिता के अगला साल के लिए आप तैयारी करो। और मेरा जो बढ़िया साल है वो अभी चल रहा है, लेकिन मेरे को भी अभी अंदर से पता नहीं, वाइब नहीं आ पाई, क्योंकि मैं पहले से मैं प्लान नहीं कर पाया था, और तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो अच्छा साल भी आके बीत जाएगा अगर आप प्लान और ढंग से मेहनत नहीं करोगे ना उस चीज़ के लिए तो। लेकिन अभी इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब इतनी भी परेशानी नहीं आ रही है मेरे को, लेकिन अभी थोड़ी चोट लगी हुई है, लेकिन वो खुद की मेरी गलती से लगी हुई है, तो ये नहीं कह सकता कि मतलब किस्मत ख़राब है बच्चा, लेकिन जो भी है मेरे को लगता है धीरे धीरे जो अंदर से मेरे को भी लग रहा है कि मेरा ये साल बेहतर जाएगा, और आपका वो अगला साल है, तो अभी से अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, मैंने देखा है कि प्रिपेयर कर लो तो ज़्यादा बढ़िया कोई भी अपना, लेकिन 29-30 साल में कहना हमारे होप और एम्बिशन भी थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए शायद बहुत अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन कोई नहीं कोशिश करो, क्योंकि जब मेरे को याद है आज से 9 साल पहले जब मेरा पर्सनल ईयर 1 आ रहा था, मेरे को उससे पहले पता था कि मेरा पर्सनल ईयर 1 है, तो मैंने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी थी, तो लकीली मेरा हो गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी में होता है, अभी मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, बट अभी तक अंदर से कुछ अभी 5 महीना हुआ है, तो 3-4 महीने तो हवा थोड़ा आगे पीछे महीने की होती है, तो अभी तक मेरा कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, लेकिन एक जगह मैं घूम कर तो आ गया हूँ, और लेकिन अभी मैं मन से खुश हूँ, कम से कम मन से मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन फिजिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से मेरे ना कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, मैं अपना कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, एक बार मैं सही हो जाऊँ फुल्ली फिट
और मैं हो सकता हूँ पहले जो 2-3 साल पहले मेरी बॉडी हुआ करती थी, मैं उस बॉडी में आने की कोशिश करूँगा, उस शेप में आने की कोशिश करूँगा, मतलब अपने आपको पतला बनाने की कोशिश करूँगा। सो आप भी ऐसे मोटिवेटेड रहो और ऐसे अगले साल के लिए आप अभी से प्लानिंग कर लो, क्योंकि वो अगला साल ऐसा है कि ना सारे के सारे काम बन जाते हैं, तो वो साल कोशिश करना जाने मत देना, क्योंकि फिर वो 9 साल बाद वैसा साल आता है। तो ये 4 नंबर वालों के लिए ये बहुत बढ़िया साल रहेगा अगला साल 2023 आपका, क्योंकि वैसे 4 नंबर वालों के लिए 3-4 साल तो मतलब थोड़े परेशानी वाले होते हैं, जैसे 4 हो गया 8 हो गया, और जब भी 2 या 9 पर्सन आता होता है उस टाइम परेशानी वाले साल जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, अभी आने वाले आपके 4-5 साल बहुत बढ़िया है। ये जो 2 साल जो बहुत तकड़े खराब होने थे वो आपके चले गए 2021 और 2022, वो आपके समझ लो बीत ही गए हैं, और अभी भी कोशिश करो अपनी तरफ से रिस्क ना लो। और बाकी ड्राइवर 4 के लिए जो बैड नंबर है वो 4 और 8 को अवॉइड करना है, 9 और 2 भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, 9 कैटमैन एक अक्सर न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन 2 भी इतना कोई खास अच्छा नहीं रहता, लेकिन 1, 5, 6, 7, 3 ऐसे नंबर है जो बहुत बढ़िया रहते हैं। तो तभी मैंने कहा देखो ड्राइवर 4 का 7 से आ रहा है ना, उनका बढ़िया है 1, 5, 6, 7, 3 हो नंबर तो बढ़िया रहेगा, 1, 5, 6 बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसे नंबर वाले दोस्त मिल जाए तो इनशा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और कुछ हो सकता है किस्मत के मामले में आपको सफलता मिल जाए। बाकी रेड येलो ग्रीन आपके लिए बढ़िया है, ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो यमराज भगवान का कलर होता है, शनि भगवान का कलर होता है, और 8 नंबर का कलर होता है, तो 8 नंबर आपको अवॉइड करना है। और 4 नंबर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, बट ब्लू आप पहन सकते हो, जैसे मैं भी मेरे को ब्लू अच्छा लगता है बहुत पहले से बचपन से भी, और पहनना चाहो तो पहन सकते हो, बट ब्लैक कलर तो अवॉइड करो, ब्लैक कलर तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन रेड येलो ग्रीन मैं पहनता हूँ, और ब्लू लेकिन मैंने पहना हुआ, ब्लू इंडिया का भी कलर है। और सो मुझे लगता है मैंने आप सबका बता दिया, और काफ़ी कमेंट है जो मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ कुछ थोड़े नेगेटिव, मतलब थोड़े मतलब बंदे परेशान हो रहे थे कुछ कुछ, उनका मेरे को भी अंदर से वो लग गया, मैं बताऊँ नहीं बताऊँ तो इनका कमेंट था, तो मैं चलो अगली वीडियो में लेते हैं, अभी मैंने सिंपल वाला लिया क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अभी रोज बनाऊँगा, कोशिश करूँगा।